टीटी के प्रेस्टीज बाइंग लेवल्स 3 महीने के लिए अगर देखना हो तो देखिए ये बाइंग लेवल पे ही है। अगर हम अगले 3 से 6 महीने तक का व्यू लेके चलते हैं तो 750 का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था बाय के लिए। अभी ये रिसेंटली इसने मारा भी है लोस और वहां से वैल्यू बायर भी आया है। अगर आप इसका थोड़ा वॉल्यूम स्टडी भी करते हैं तो वॉल्यूम पे आपको दिखेगा कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 10 लाख प्लस के आसपास का कुछ वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है जो कि फॉल में हुआ है। एट द सेम टाइम द बेस्ट पार्ट वॉज कि इसका जो करेक्शन आया था 1010 से लेकर 800 में, उसमें बहुत ज्यादा कोई वॉल्यूम छूटा नहीं था। तो दैट मीन्स जो इन्वेस्टर है वो अभी भी इंटैक्ट है। इनफैक्ट नीचे के लेवल पे ये जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई इतने के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम भी दिख रहा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। जिसको लेना है यहाँ पे लीजिए, 750 का अच्छा सपोर्ट बन रहा है। ऊपर में एक बार 900 के ऊपर सस्टेन करेगा तो वापस ये 1050 के आसपास का बनेगा। तो छोटा रेंज अगर हम टाइम फ्रेम का देखते हैं तो 750-900 का जोन है, पर अगर अगले 3 महीने का पकड़ के चले तो 680 आप ले सकते हो लोअर एंड पे बहुत ज्यादा, और ऊपर में 1050। सो बाय ऑन डिप इज द आउटलुक इन टीटी के प्रेस्टीज पोजिशनल। जी, तो ये है टीटी के प्रेस्टीज पे राय।